हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट राजा स्टूडियो में। फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि SBI के द्वारा पेमेंट गेटवे में कुछ चेंजिंग किया है, जिससे पेमेंट में कुछ परेशानी हो रहा है। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई पेमेंट में कुछ दिक्कत हो रहा है, इसलिए इस पर वीडियो बनाएं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं उसी के बारे में कि पेमेंट गेटवे में जो चेंजिंग हुआ है उसको आसानी से आप कैसे पेमेंट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टाम्प पेपर वाला साइट पे हम चल जाते हैं, झार निबंधन पोर्टल पे। पोर्टल पे जाने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पेमेंट सर्विस में जाएंगे, परचेज स्टाम्प पेपर करेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल हम फिल कर देंगे। पर्पज ऑफ स्टाम्प पेपर, यहाँ पे फॉर नॉन रजिस्ट्री डीड करना है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी सारा इंटर करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, जो भी नया अपडेट किया है। देखिए यहाँ पे जमाकर्ता अदाकर्ता की पहचान की जनादेश के लिए एक पोर्टल अपडेट किया है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार ले रखेगी, जमा करके रखेगी, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन लागू किया है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, गेस्ट यूजर और रजिस्टर्ड यूजर। तो चलिए हम अभी गेस्ट यूजर में बताते हैं। अगर आप छोटा मोटा यूजर हैं, अगर वन टाइम के लिए चाहिए आप, तो गेस्ट यूजर से आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल के, ऑथेंटिकेशन करके, OTP डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दुकान या कोई शॉप उप चलाते हैं, अगर आपको बार बार OTP का झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो आप रजिस्टर्ड यूजर करके एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप सिर्फ ईमेल और ये पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे में ले जाएगा, सेम पोर्टल पे जो आप पहले जिस तरह से करते थे। यहाँ पे SBI पे में हम करेंगे, SBI पे में क्लिक करके पे नाउ में क्लिक करेंगे, है ना। आगे एग्री प्रोसेस टू पेमेंट के बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा हमको ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। तो चलिए हम UPI से QR कोड से पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।